हम लोग इसको जो है वो बबल सॉर्ट को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। अब हम लोग ने यहाँ पे एक चेक रखना है कि हमारे पास कोई स्वैपिंग हुई है या नहीं, ठीक है? तो हम लोग एक बुलियन वेरिएबल ले लेते हैं स्वैप का, या स्वैप हम लोग इनिशियली हम लोग कहते हैं कि हमारे पास जो है वो स्वैपिंग हुई है, ताकि हम लोग लूप के अंदर एंटर हो सकें, और हम लोग आउटर लूप को उस तक हम लोग एग्जीक्यूट करते रहते हैं जब तक हमारे पास जो है स्वैपिंग्स हो रही है, ठीक है? तो जब तक हमारे पास स्वैपिंग्स हो रही हैं, हम लोग जो है आउटर लूप को एग्जीक्यूट करते रहेंगे। इनर लूप को जो है वो हम लोग एक हम लोग वेरिएबल ले लेते हैं int i इज इक्वल टू 0 का, ठीक है? जो हम लोग देखेंगे कि इनर लूप को हम लोगों ने कहाँ तक लेके जाने, क्योंकि फर्स्ट टाइम हम लोग उसे 0 इंडेक्स तक लेके जाएंगे, सेकंड टाइम जो है वो हम लोग उसको इंडेक्स 1 तक लेके जाएंगे, एंड सो ऑन, ठीक है? तो ये हमारे पास एक आई इंडेक्स हो गया, और ये आउटर लूप हम लोग उस वक्त तक एग्जीक्यूट करेंगे कि जब तक हमारे पास जो है वो कोई स्वैपिंग नहीं हो रही। जैसे लूप के अंदर एंटर होते हैं तो हम लोग स्वैप इज इक्वल टू फॉल्स कर देते हैं कि हम लोगों के पास जो है स्वैपिंग, स्वैप को फॉल्स करने से क्या होगा कि अब इनर लूप के अंदर कोई स्वैपिंग नहीं होगी, तो हमारे पास स्वैप इज इक्वल टू फॉल्स का वेरिएबल जो है फॉल्स रहेगा, और नेक्स्ट टाइम हम लोग जो है वो आउटर लूप के अंदर एंटर नहीं होंगे, मतलब नेक्स्ट टाइम आउटर लूप जो है वो हमारे पास एग्जीक्यूट नहीं होगी, ठीक है? और इनर लूप के अंदर हम लोगों ने कहाँ से शुरू करना है, कोई मुझे बताएगा कि जे की वैल्यू हम लोग कहाँ से शुरू करेंगे? फॉर int j इज इक्वल टू फ्रॉम वेयर, वी वुड स्टार्ट फ्रॉम वेयर? सर 0 से शुरू करेंगे। 0 से करेंगे अगर हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, लेकिन अभी जो हम लोगों ने एन एग्जांपल एन डिस्कस किया, हम माइनस लोग वन नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो जे की जो फर्स्ट हमारे पास वैल्यू थी, इंडेक्स जो था उसके अंदर हमारे पास लास्ट इंडेक्स था, तो लास्ट इंडेक्स क्या हो गया, n-1, ठीक है? और कहाँ तक जाएंगे हम लोग, जे इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि लास्ट जो दो वैल्यूज कंपेयर कर रहे होते हैं, लेट्स से जे और उससे पिछली वैल्यू को अगर कंपेयर कर रहे हो, तो लास्ट हमारे पास जे जो है वो हमारे पास 1 होगा, और उसको हम लोग उससे पिछले वाली वैल्यू से जो है वो हम लोग कंपेयर कर रहे होंगे, ठीक है? जे इज ग्रेटर देन 0 और जे माइनस माइनस के हम लोग उसके अंदर वैल्यूज जो है वो कम करते रहेंगे। अच्छा, अब कंडीशन क्या होगी, देखो फर्स्ट टाइम हम लोगों ने जे को इनिशलाइज किया लास्ट वैल्यू के साथ, अब किसको कंपेयर करना है, किन दो वैल्यूज को कंपेयर करना है? इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में जे के अंदर अगर 5 पड़ा हुआ है, तो किन 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 वैल्यूज को कंपेयर करना है, कौन कौन से इंडेक्स पे वो पड़ी हुई है? 4, 5 आई इंडेक्स आई सर और i-1। तो अभी नहीं है ना हमारे पास, जे से हम लोग इनर लूप का जो वेरिएबल है जे, जे और जे माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है? तो हम लोग जो है वो क्या करते हैं, हम लोग कहते हैं कि इफ एरे जे, क्या कंडीशन होगी सर ग्रेटर देन यहाँ पे, क्या आएगा दोनों क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा? सर एक ग्रेटर देन और j+1। जे प्लस 1 लेंगे तो हम लोग, अच्छा अगर हम लोग ने जे प्लस 1 लेना है ना, तो फिर हमें जे को 4 से शुरू करना पड़ेगा। अभी देखो जे को हम लोग 5 से शुरू करें, लास्ट वैल्यू से शुरू करें और उसे पिछली वाली से कंपेयर करना है। लेस देन होगा और j-1 होगा सर। वेरी गुड। तो अब हम लोग देखते हैं कि जो इंडेक्स जे पे जो वैल्यू पड़ी हुई है, जो इस यहाँ पे जो हमारे पास फर्स्ट टाइम जो हम लोग ने एग्जाम्पल ली थी, उसके अंदर क्या पड़ा हुआ था, 1 पड़ा हुआ था, और जे माइनस 1 में 4 पड़ा हुआ था। तो जो इंडेक्स जे पे जो वैल्यू पड़ी हुई है, वो इंडेक्स जे माइनस 1 वैल्यू से अगर छोटी है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, स्वैप कर देंगे। स्वैप कर देंगे। स्वैप जो इंडेक्स जे पे वैल्यू पड़ी हुई है और जो इंडेक्स जे माइनस 1 पे वैल्यू पड़ी हुई है, उसको जो है वो हम इन दो वैल्यूज को स्वैप कर देंगे, और साथ हम लोग स्वैप के वेरिएबल को ट्रू कर लेंगे कि हमारे पास एक स्वैपिंग होगी एटलीस्ट। तो नेक्स्ट आइट्रेशन जब भी हमारे पास कोई स्वैपिंग हो जाती है, तो नेक्स्ट आइट्रेशन के अंदर हम लोगों को जो है वो दोबारा से जो है वो लास्ट इंडेक्स से लेके ऊपर तक जो है वो मूव करना पड़ेगा, ठीक है? तो स्वैपिंग हमारे पास हो गई, और दैट्स इट आई थिंक, और तो इसके अंदर और कुछ नहीं करने वाला। हाँ ये करेंगे कि i इज इक्वल टू i प्लस 1 कर देंगे, इससे हमारे पास क्या होगा कि नेक्स्ट टाइम जो है यहाँ पे हमें इनफैक्ट ग्रेटर देन
जीरो की बजाय ग्रेटर देन आई लिखना चाहिए था, ठीक है, कि आई की वैल्यू जब जीरो है तो वो क्या करे, जे की आखिरी वैल्यू जो है वो हमारे पास वन तक जाए, और लास्ट जो हम लोग दो वैल्यूज को चेक कर रहे हो वो वन और इंडेक्स वन पे जो वैल्यू पड़ी हुई है उसको, और जो इंडेक्स जीरो पे वैल्यू पड़ी हुई है उन दोनों को हम लोग कंपेयर कर रहे हो, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो हो जाएगा। और नेक्स्ट टाइम जब आई की वैल्यू हमारे पास वन हो जाएगी, फर्स्ट में हमारे पास एक स्वैपिंग होगी, फिर आई की वैल्यू वन होगी, तो फिर जे को हम लोग कहाँ तक लेके जाएंगे, टू तक, इंडेक्स टू तक, मतलब यहाँ तक लेके जाएंगे, और किसको कंपेयर कर रहे होंगे, इंडेक्स टू और इंडेक्स वन पे जो वैल्यूज पड़ी हुई है उनको कंपेयर कर रहे होंगे। तो इस तरीके से हमारे पास जे को हमेशा हमें जीरो तक लेके जाने की जरूरत नहीं होगी। और अगर हमारे पास इनर लूप के अंदर कभी कोई आइट्रेशन नहीं होती तो स्वैप का जो वेरिएबल है इसकी वैल्यू फॉल्स रहेगी, और नेक्स्ट टाइम हम लोग आउटर लूप के अंदर जो है वो एंटर नहीं होंगे, मतलब हम लोगों के पास बेसिकली एग्जीक्यूशन जो है वो टर्मिनेट हो जाएगी, ठीक है। तो लेट्स सी इफ दिस वर्क्स। यहाँ पर हम लोग सिलेक्शन की बजाय बबल का फंक्शन कॉल कर लेते हैं, ठीक है, और इसे हम लोग एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। बस एरर नहीं आया, इसको हम लोग रन करते हैं, बाई जब रन किया तो ये वाली जो वैल्यूज हैं हमारे पास सही तरीके से जो है वो सॉर्ट हो गई, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया हमारे पास। अब इसकी ये इम्प्लीमेंटेशन होगी, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो बेटे आप लोगों का? इसमें सर टर्मिनेट करने के लिए वो एक फंक्शन या कुछ लिख लें इफ स्टेटमेंट में। ये इफ स्टेटमेंट है ना बेटे, यहाँ पे टर्मिनेशन हो रही है। अगर हमारे पास जो है देखो स्वैप को हम लोगों ने फॉल्स कर दिया, ठीक है, अब अगर हमारे पास एक भी स्वैपिंग नहीं होगी तो ये फॉल्स देगा, और नेक्स्ट टाइम हमारे पास यहाँ पे टर्मिनेशन हो जाएगी, ठीक है। या आप इस तरह भी लिख सकते हो, वाइल वन अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए इफ स्वैप इज इक्वल टू फॉल्स, अगर स्वैपिंग नहीं होती तो फिर हम लोग वेट कर रहे हैं, ठीक है, सही है। एनी अदर क्वेश्चन बेटे? सर इनर लूप में हमने जे को n माइनस 1 से इनिशियलाइज क्यों करवाया? क्योंकि हम लोग लास्ट वैल्यू से अपवर्ड्स जा रहे हैं ना। बबल सॉर्ट को दो तरीकों से कर सकते हैं, ऊपर से नीचे भी लेके आ सकते हैं, चेक कर सकते हैं सॉर्टिंग जो कर सकते हैं, और नीचे से ऊपर की तरफ भी कर सकते हैं। हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ लास्ट वाली n नहीं होगी, n वाली लास्ट वैल्यू का इंडेक्स क्या होगा, फर्स्ट वैल्यू का इंडेक्स क्या होगा सर? वो जीरो होगा लेकिन हमने, ठीक है सर वो हो गया, समझ आ गया। सी प्लस प्लस में जो लास्ट वैल्यू उसका इंडेक्स एन माइनस वन होगा ना, अगर एन वैल्यूज है तो लास्ट वैल्यू का इंडेक्स जो है वो एन माइनस वन होगा। सर यहाँ पे जे ग्रेटर देन आई क्यों लिखा? ये हम लोग यहाँ पे वन जीरो भी लिख सकते हैं, लेकिन जीरो के अंदर क्या होगा कि हर मरतबा वो इंडेक्स वन तक जाके इंडेक्स वन और जीरो को कंपेयर कर रहा होगा, आखिरी जो स्टेप होगा वो ये होगा जीरो और वन को कंपेयर कर रहा होगा। लेकिन हम लोगों ने ये देखा था कि बबल सॉर्ट के अंदर ये होता है कि हर आइट्रेशन के अंदर हमारे पास जो है वो फर्स्ट आइट्रेशन के बाद इंडेक्स वन पे वैल्यू, इंडेक्स जीरो पे जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो सॉर्टेड हो जाती है। अब ये रिप्लेस नहीं हो सकती क्योंकि सबसे छोटी वैल्यू जो है वो टॉप पे चली जाती है, ठीक है। अगली आइट्रेशन में जो नेक्स्ट छोटी वैल्यू है वो हमारे पास टॉप पे चली जाएगी, उससे अगली आइट्रेशन में उससे जो छोटी वैल्यू है वो हमारे पास टॉप पे चली जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास जो है वो जब टॉप हमारे पास हर आइट्रेशन के अंदर जो सॉर्टेड वैल्यूज हैं वो टॉप से एक एक बढ़ती जा रही हैं, तो हर मरतबा हमें ऊपर चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अब मतलब जिस तरह हमारे पास लास्ट जो था स्नैरियो था वो ये था, 9 और 7 को कंपेयर करेंगे, 7 और 5 को कंपेयर करेंगे, अब 5 और 4 को कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 5 से छोटी वैल्यूज पिछली आइट्रेशन में ऑलरेडी ऊपर जा चुकी हैं। तो उसको थोड़ा सा एफिशिएंट करने के लिए, नंबर ऑफ स्टेप्स हम लोग कम करने के लिए इसे जे ग्रेटर देन आई कर देते हैं। I रिप्रेजेंट कर रहा है कि शुरू की कितनी वैल्यू सॉर्ट हो चुकी है, ठीक है बेटे? ठीक है सर। ऑल द जेज ग्रेटर देन जीरो करेंगे तब भी सॉर्टिंग सही होगी, लेकिन सिर्फ ये होगा कि उसके अंदर नंबर ऑफ स्टेप्स जो हैं वो बढ़ जाएंगे।